रीवा के दंत रोग चिकित्सकों ने आज मेडिकल कॉलेज से शहर के प्रमुख बाजारों में एक रैली निकाली। उनका मकसद था हेलमेट को लेकर आम आदमी को जागरूक किया जाए। यह रैली उनके संगठन ने पूरे देश में निकाली। रीवा के दांत के डॉक्टरों ने रैली निकालकर हेलमेट लगाने का संदेश दिया आम आदमी को। उनका कहना है लोग मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते, टू व्हीलर चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कभी दुर्घटना होती है तो उनकी जान को कोई खतरा ना हो। आम तौर पर देखा जाता है लोग हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट चेहरे में ना होने की वजह से जब कभी एक्सीडेंट होता है तो अक्सर लोगों की जान भी चली जाती है या फिर काफ़ी हद तक चेहरा बिगड़ जाता है। हम लोग चाहते हैं लोगों के चेहरे का स्ट्रक्चर ना बदले, किसी की असमय जान ना जाए। चेहरे में काफ़ी चोट होती है एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से लोगों का चेहरा बदल जाता है। रैली निकालने वाले डॉक्टर साफ तौर से चाहते हैं लोग इस तरीके की चोट से बचें, जिसके चलते रीवा के डॉक्टरों ने आज रीवा के मेडिकल कॉलेज से एक रैली निकाली। इस रैली में डॉक्टरों ने पोस्टर बैनर के माध्यम से हेलमेट को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। ये अपने आप में काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहा। डॉक्टरों के द्वारा हेलमेट को लेकर रैली निकालना काफ़ी रोचक रहा। लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इस बात पर ध्यान दिया। आम तौर पर देखा जाता है पुलिस या स्वयंसेवी संस्थाएं ही इस तरीके की जागरूकता अभियान चलाती हैं, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा हेलमेट लेकर चलाया गया अभियान काफ़ी शहर में चर्चा का विषय रहा। यह रैली रीवा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई खास तौर से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके से मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मेडिकल कॉलेज में आकर समाप्त हुई। हमारी टीम ने डॉक्टरों से बात की। उनका साफ तौर से कहना था हम लोग चाहते हैं लोग हेलमेट लगाएं, हेलमेट की वजह से किसी की जान ना जाए। हेलमेट अगर चेहरे में होगा तो निश्चित रूप से हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकेंगे, हमारी असमय मौत नहीं होगी। यही संदेश आम आदमी तक पहुंचाने के लिए हमने आज का दिन चुना है। हमारी पूरी टीम देश के अलग अलग हिस्सों में रैली के माध्यम से हेलमेट को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रही है। संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की दंत रोग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गीता साफ तौर से कहती हैं, हमने यह जन जागरूकता अभियान पूरे देश में चलाया है। हमारे संगठन ने पूरे देश के अलग अलग हिस्से में रैली निकालकर आम आदमी को हेलमेट के प्रति जागरूक करने का निश्चय किया था। आइए आपको सुनाते हैं संजय गांधी मेडिकल कॉलेज की दंत रोग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीता त्रिपाठी शहर में रैली को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। ओरल और मैक्सिलो फेशियल डे है, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने एक जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें लोगों को ये अवेयर करना चाहते हैं हम कि हेलमेट कितना जरूरी है। आजकल क्या है, लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में हेलमेट नहीं लगाते हैं, कारों में अपना सीट बेल्ट नहीं लगाते। उसके कारण जब कभी भी उनका एक्सीडेंट होता है तो उनका चेहरा भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होता है और कभी कभी जान जाने की नौबत भी आ जाती है। तो ये हम जागरूकता रैली है सिर्फ अपने रीवा में ही निकाल रहे हैं, पूरे इंडिया में हम निकाला जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन से मिला करके हम लोग इस तरह की रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों को इससे जागरूक कर सकें। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई रैली? ये मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर के प्रकाश चौराहा शिल्पी प्लाजा होते हुए सुपर स्पेशलिटी के सामने से फिर मेडिकल कॉलेज तक पहुँचेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गीता मिश्रा त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष दंत रोग विभाग, संजय गांधी अस्पताल।